नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में चल रही बीजेपी की अहम बैठक की, जो अब खत्म हो चुकी है। राज्यों के चुनाव पर गहन मंथन हुआ है इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक खत्म हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। आगामी राज्यों के चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रमों और यात्राओं पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। तो दिल्ली में चल रही बीजेपी की अहम बैठक खत्म हुई है। राज्यों के चुनाव पर गहन मंथन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक थी। महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आगामी राज्यों के चुनावों को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक में। पार्टी के कार्यक्रमों और यात्राओं पर प्रेजेंटेशन दिया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं सियासतदारों की एक अच्छी तस्वीर, जो इंदौर में अनंत चतुर्दशी के समारोह में एक अनूठा नजारा देखने को मिला। यहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने देशभक्ति का गाना गाया तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी थिरकने लगे। इंदौर में उत्सवी माहौल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने गाना गाया और जब उन्होंने ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का गाना गाया तो कांग्रेसी भी थिरकते हुए नजर आए। अब बात सीएम शिवराज के बड़े बयान की। अलीराजपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। कहा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा अगली सरकार बनने पर, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हर परिवार को रोजगार मिलेगा, परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा सरकार की तरफ से। करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नागर, हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े, एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं, दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई
तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाया, अपने भाइयों के लिए कुछ कर पाया, अपने बेटा बेटियों के लिए कुछ कर पाया। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार नागर, हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। सीएम शिवराज ने खरगोन को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सिंचाई परियोजना के साथ ही मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार आया था आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मांग की थी, ऐसे में जो वादा किया था उसे पूरा करने आया हूं। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों से संवाद किया, साथ ही सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि डूब इलाकों के किसानों के साथ सरकार खड़ी है और सबको मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए राशि की कमी न होने की बात कही, साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। आपने कहा था खरगोन में मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अब बाकी घोषणा होती तो कई बरस लग जाते हैं, कांग्रेस तो घोषणा की हिम्मत भी नहीं करती कभी। आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो घोषणा की मशीन है। हां हूं मशीन, जनता कहती है और मैं करता हूं, मैं काय के लिए बैठा हूं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री हूं, जनता की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। मेरा जन्म हुआ है मध्य प्रदेश की भूमि के पूजन और अपनी जनता की सेवा के लिए। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए मैं काहे के लिए हूं, काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो जाओ, प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाकर कह देना सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा, चिंता ना करे मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। सीएम शिवराज हरदा में कृषक सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने 3,885 करोड़ 59 लाख रुपए के 88 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर सौगात दी। इसके अलावा सीएम शिवराज ने 12 करोड़ 33 लाख रुपए के 33 कार्यों का लोकार्पण किया और इस मौके पर उन्होंने जिले में 3517 करोड़ रुपए की मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया और इस परियोजना से हरदा, नर्मदापुरम और खंडवा जिले के 211 गांव के 20,000 से ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा। हरदा का कोई गांव असिंचित नहीं रहेगा, 100% गांव में सिंचाई, 100% गांव में सिंचाई। आपने कांग्रेस का राज भी देखा है, अगर कहीं 25-50 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती थी तो दिग्विजय सिंह कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बीच में आपने कमलनाथ का राज में देखा 1.25 साल, जब देखो कमलनाथ जी रोते ही रहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अब आप बताओ जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है, बताओ वो मुख्यमंत्री काम का था क्या? अरे जोर से बताओ काम का था क्या? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहा कि मोदी का प्रदेश में आना नागरिकों के लिए खुशी की बात है। पीएम मोदी ग्वालियर और जबलपुर में नई सौगात लेकर आएंगे, इससे प्रदेश का विकास होगा। मध्य प्रदेश पर मोदी की नजर बनी रहेगी तो प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे, मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। एमपी के चुनावी मैदान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यशोधरा राजे सिंधिया के इस फैसले पर पार्टी और शिवपुरी की जनता का क्या कहना है,
रिपोर्ट में देखिए। क्योंकि सरकार भी तो बनाना है अपने को, सरकार बनाना है ना। एक नंबर तो अपन जीत जाएंगे, और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या करेंगे? फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इसलिए एक नंबर भी जीतना है और सरकार भी बनाना है। तो सरकार बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? तो ये चुनाव कौन लड़ेगा फिर? तो मैं कैलाश विजयवर्गीय नहीं हूँ, हर एक कार्यकर्ता क्या है ये मान के यदि हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ। दो दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दिया गया ये बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बना। अब बीजेपी की एक और कद्दावर नेता ने अपने बयान से सियासी खलबली बढ़ा दी है। शिवपुरी से विधायक और शिवराज सरकार में खेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही यशोधरा राजे सिंधिया इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है और संगठन को भी अपने इस फैसले की जानकारी दे दी है। पहले विजयवर्गीय और फिर यशोधरा राजे सिंधिया, बीजेपी के दिग्गजों के ऐसे बयान और फैसले पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि संगठन सफाई दे रहा है और यशोधरा राजे सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की वजह को जायज भी बता रहा है। यशोधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, आपको ये जानकारी मैं बता देता हूँ। लगभग 3-4 माह पहले से कोरोना से वो चौथी बार प्रभावित हुई, उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर के मुझे भी कहा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को भी कहा कि मैं हेल्थ इश्यूज के कारण इस बार मुझे जितना नीचे जाना चाहिए उतना मैं जा नहीं पा रही हूँ। इसलिए उन्होंने संगठन से, हमारे नेतृत्व से अनुरोध किया है कि मैं चाहती हूँ कि इस बार का चुनाव में न लड़ूं। इसका अर्थ नहीं है कि वो कोई हेल्थ इश्यूज के कारण से उन्होंने कहा है। यशोधरा राजे सिंधिया जैसी दिग्गज नेता का चुनावी सियासत से दूर हो जाना बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं। दूसरी तरफ शिवपुरी की जनता की राय भी मिली जुली है। हाँ तो सही कही है, उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और का तो आप क्या चाहते हैं, वो लड़े या ना लड़े? अब वो लड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि वो विकास तो करती है, और वो नहीं लड़ेंगी और कोई लड़ता है तो यहाँ बीजेपी की सीट निकलना असंभव है। यही कहना है कि वो हार की वजह से नहीं लड़ेंगे। अच्छा, या उनको डर हो गया होगा हारेंगे अब की बार, इसलिए नहीं लड़ेंगे। पेपर के माध्यम से मालूम चला है कि वो चुनाव के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं है। यशोधरा राजे सिंधिया 1998 से अब तक 4 बार विधायक रही हैं, साथ ही ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुकी हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उन्होंने बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। अब यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चुनौती ये कि यशोधरा राजे के बाद अब किस चेहरे पर जीत का दाव लगाया जाए, ताकि अभेद गढ़ बन चुके शिवपुरी पर बीजेपी का झंडा लहराता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ निकाली जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सागर की सुर्खी पहुंची, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और जन आक्रोश यात्रा के बुंदेलखंड प्रभारी अरुण यादव ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरा, साथ ही विवादित बयान देते हुए कार्यकर्ताओं से डंडा तैयार रखने को कहा। रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता घबराए नहीं, बस डंडा तैयार रखें जिसका सही समय और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगा। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अरुण यादव के इस बयान को अमर्यादित बताते हुए जन आक्रोश यात्रा को फ्लॉप करार दिया। साथ ही अरुण यादव और रणदीप सुरजेवाला को अपने भविष्य की चिंता करने की नसीहत दी। झंडा डंडा हमारा है, झंडा कांग्रेस का है, और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग समय पर कर लेंगे, इसमें कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हर घर में अब हमारे हर घर में मिलेगी, इलाज पक्का करेंगे, 1000% इलाज करेंगे, तुम लोग घबराना नहीं।
हरियाणा में मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे, जनता ने आपको विधानसभा का चुनाव हरा दिया था, और अरुण यादव जी आपका हार तो मध्य प्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। जब कांग्रेस पावर में थी तो आपको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था कमलनाथ जी ने। अब आप जो गांव 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 गली गली घूम रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, कांग्रेस पुनः 2 महीने बाद आपको घर का रास्ता दिखा देगी। आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अच्छी भाषा का उपयोग करो। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शाहजहांपुर पहुंची। यात्रा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, हुकुम सिंह कराड़ा सहित कई नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री पटवारी ने कहा कि उज्जैन में बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और शिवराज सिंह चौहान घोषणा पर घोषणा करने में लगे हुए हैं। प्रदेश पर हर महीने 3,000 करोड़ का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और इसी के चलते केंद्रीय नेताओं और सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री ने उसमें वक्तव्य दिया, मध्य प्रदेश में 9 बेटियों पर रोज बलात्कार होता है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली शिवपुरी पहुंची, जहां विशाल जनसभा को संबोधित किया और विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस सभा में बड़ा बवाल हो गया। दरअसल मंच से कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित प्रकाश शर्मा को कुर्सी से उठा दिया गया, जिससे प्रकाश शर्मा बुरी तरह बिफर गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने मंच पर बवाल खड़ा कर दिया। मंच पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें मनाया। डॉक्टर गोविंद सिंह और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने मध्यस्थता की, तब कहीं जाकर प्रकाश शर्मा मंच पर जाकर बैठे। अब गुना के प्रिंस ग्लोबल स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्कूल के अंदर हिजाब में छात्राओं से कार्यक्रम करवाता हुआ देखा जा सकता है। वीडियो के सामने आने के बाद परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। उधर हिंदूवादी संगठन ने भी आपत्ति जाहिर की। स्कूल में छात्रों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के आरोप भी लगाए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की जाँच होगी। बच्चों को हमें आज जानकारी मिली है, कल या परसों प्रोग्राम हुआ था वहाँ, अपने हिंदू बच्चों के गलों में हरी पट्टी डाल के और उनसे मुसलमानी गाने गवाए जा रहे थे और उनको क्या बोलते हैं कलमा पढ़ाया जा रहा था। काफ़ी बच्चे अपने हिंदू हैं, उनके गले में सब्जेक्ट करके उनसे करवाया जा रहा था। उसकी सूचना भी अपन को नहीं थी कि क्या चल रहा है वहाँ पे। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कई स्कूल खोला गया है, तो आज विद्यार्थी परिषद ने लगभग 1 घंटे का आंदोलन कर समस्त स्टाफ और जिन लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता लिया उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के लिए मांग की और स्कूल प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी परिषद सभी कार्यकर्ताओं का आभार। हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाकर किसी कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन ने यह काम किया है, पूर्व में भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने इस पर कठोर कार्रवाई की है। कोई भी आदमी अगर किसी षड्यंत्र के तहत हिजाब पहनाने का काम करता है या कोई अन्य गतिविधियों में लिप्त आता है तो सरकार कठोर कदम उठाती है और निश्चित रूप से इसमें भी अभी जिला प्रशासन इसकी जांच करेगा। अगर किसी कारणवश वहाँ के स्कूल प्रबंधन ने अगर बच्चों को हिजाब पहनाने का काम किया है, उनको आइडेंटिटी छुपाने का काम किया है, तो सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी जबरन इस तरह से दिखाना मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। जिला प्रशासन निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर कठोर कार्रवाई भी करेगा। खबर अयोध्या से, जहां अभिनेता अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। वैदिक रीति रिवाज से पूजन अर्चन और आरती कर अनुपम खेर ने अपना वीडियो लॉन्च किया।
राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि देश में लगातार बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा धर्म स्थलों को लेकर प्रचार प्रसार करना है उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सनातन धर्म पर कथित तौर पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश दुनिया को भारत के पूजनीय और वंदनीय देवी देवताओं के धर्म स्थलों की सही जानकारी होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर में जिस वातावरण में बड़े हुए हों अगर आपने उसने आपके मस्तिष्क पर या आपके आचरण पर प्रभाव डाला है तो उस आचरण को दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस बात पे झगड़ा करूं कि किसी ने सनातन के बारे में बुरा बुरा क्यों कहा तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। के वक्त आ गया हूँ, कल जाऊँगा वहाँ पर निर्माण में माथा टेकूँगा। हम सब ने टेलीविज़न पर देखा था प्रधानमंत्री ने कैसे नींव पे पूजा की थी और कल जाकर मैं अपना मेरी माँ का सपना पूरा करूँगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ ज़रूर तब आना चाहूँगा। सीधी ज़िले के एक निजी स्कूल में छात्रों के सिर मुंडन कराने का मामला सामने आया। मामला आदिवासी वनांचल के नदहा मडवास स्कूल का। स्कूल संचालक ने जहां इस मामले को राजनीतिक तूल देने का आरोप लगाया तो वहीं क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम भड़क गए। खबर ग्वालियर से, जहां पड़ाव थाने इलाके में दंधाड़े गैंगवार में फायरिंग हुई। थाने से 50 कदम की दूरी पर इस घटना में गोली लगने से दो लोग घायल हुए हैं, एक राहगीर को भी गोली के छटे लगे हैं। हमलावरों ने भागते समय यहां खड़ी गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। दरअसल यहां 5 से 6 युवक आपस में झगड़ते हुए पहुंचे और एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दी। गोली लगने से घायल युवक एक दुकान में घुस गया, दूसरे आरोपी ने बाहर से फायरिंग कर दी। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक यहां 20 सड़क पर जमकर उत्पात होता रहा। टीकमगढ़ में 3 साल की लड़की को लाचार देखकर युवक ने अपहरण करने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर गांव की महिला को आरोपी पर शक हुआ तो महिला ने गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पूछताछ में जानकारी मिली कि आरोपी ललितपुर का रहने वाला है। बालाघाट की खदान मैगजीन और इंडिया लिमिटेड में काम के दौरान हादसे में एक प्राइवेट मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया। उन्होंने 50 लाख रुपए का मुआवजा, पत्नी को पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की है। धार के कुक्षी में गणेश विसर्जन का जुलूस और झांकियां निकलते समय पथराव हो गया जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और देखते ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई। घटना में 2 पुलिसकर्मियों सहित 11 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 गंभीर घायल हैं। बात करेंगे सिवनी की, जहां छपारा थाना के तहत आने वाले गोरखपुर गांव में एक दलित पिता और उसके 2 बेटों के साथ मामूली विवाद पर बेरहमी से मारपीट हुई। मारपीट करने और उनको सड़क पर घसीने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उनकी क्रूरता साफ देखी जा सकती है। ग्वालियर के करहिया थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही के चलते निर्माणाधीन तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक साथ 3 बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 3 का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए। उमरिया के बांधवगढ़ से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है जहां 3 युवा बाघ एक साथ चहलकदमी करते हुए नजर आए। ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं जिसे बीती रात राहगीरों ने बनाया था। बताया जा रहा है कि तस्वीरें टाइगर रिजर्व से लगे रायपुर बनौदा के जंगल की। इसी के साथ